सब डिवीजन गुलमर्ग के फिरोजपुरा गांव में आज दौरान शब अब्दुल मजीद ऋषि नामी के घर में अचानक आग नमूदार हुई। इस आग ने इस पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया है। ये जब हमारे यहाँ पर घरवालों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग नमूदार हुई और अब यहाँ के मकामी लोगों और फैमिली मेम्बर्स ने इंतजामिया पर यही डिमांड रखी है कि इन्हें जल्द अज जल्द माकूल मुआवजा फराम कर देना चाहिए ताकि इन्हें इन सर्दियों के आयाम में मजीद मुश्किल ना हो सके। इस वक्त आपको सीधे फिरोजपुरा ले चले और दिखाते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं घर वाले इस हवाले से। आज रात 3 बजे के करीब करीब शॉर्ट सर्किट की वजह से आग यहाँ पर हुई, तो उसके बाद उन्होंने कॉन्टेक्ट किया फायर सर्विस को, तो वो उन्होंने वो टाइम पे ही वहाँ से निकले, उसी वक्त तुरंत वो इमीडिएटली वहाँ से निकले। तो वहाँ पर कुछ दिक्कत आई हमें रोड से कि कुछ अफराधों ने वहाँ पर कुछ वहाँ पर वो दरख्त एक दो है जो मेन काज हुआ वहाँ पर। जब उन्होंने, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कम अज़ कम इस वक्त जो ये जो मालिक मकान है बिल्कुल खाकिस्तर हुआ है, इसको कम अज़ कम जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है चाहे उसको भी कहीं ना कहीं लकड़ी का इसका इंतज़ाम हो जाए ताकि ये इसको दूसरी तरह से हम फिर बना सके। ये बाकी यहाँ पर एक कोई फाइनेंस असिस्टेंट अगर कोई केस है या कुछ मसला है तो इसको कम अज़ कम जल्द से जल्द वागुजार किया जाए। सर हुआ, इसका मालिक का नाम है अब्दुल मजीद ऋषि जनाब मोहम्मद सुबहान ऋषि। ये पूरे तरह से खाकिस्तर हुआ है। मैक्सिमम रात के 2:30 से 3 बजे के दरमियान ये आग नमोदार हुआ शॉर्ट सर्किट की वजह से। ये पूरा खाकिस्तर हुआ, कोई नहीं आया है, कोई नहीं। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ पे आए और ख़ुद जायज़ा ले गए, यहाँ पे इनका मावनत पूरी तरह से मावनत किया जाए। ये 2:30 बजे से लेकर 3 बजे तक लगी हुई है, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट की वजह से ही लगी है। घर वाला खाकिस्तर हुआ, ये बहुत नुकसान हुआ, इसको कुछ भी नहीं बचा इस मकान में से। अब यही अपील है गवर्नमेंट की तरफ कि इनको थोड़ा सा मावनत की जाए ताकि ये भी रहने के लायक हो जाए। और आजकल सर्दियों के दिन चल रहे हैं, सुनो मतलब बर्फबारी होने जा रही है, तो इस वजह से भी इनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो और दूसरी बात, फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के को हम अप्रिशिएट करते हैं, वो टाइम पे आ गए, लेकिन उनको कुछ दिक्कत हो गई। जो रोड्स वगैरह हमारे यहाँ पे R&B की तरफ से बनाए गए हैं उनमें कुशादगी नहीं है, तो उसकी वजह से फायर सर्विस को आधा घंटा लेट हो गया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा और बच जाता, लेकिन वो 20 मिनट लेट होने की वजह से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया।